हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका नाम है कॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि दोनों एक छोटे छोटे टॉपिक है तो हमने सोचा क्यों ना इन दोनों टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप कर लें। दोस्तों जैसा कि याद होगा कि 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जिसके अंदर तीन एग्रीमेंट्स पे साइन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लिबरलाइजेशन चीजों को आसान बना, प्राइवेटाइजेशन चीजों को गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना, ग्लोबलाइजेशन बंद दरवाजे खोल देना। तो आपको याद हो लास्ट क्लास में हम लिबरलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे, उसके अंदर जो 5 पॉइंट थे आज हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो गाइस, फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऑनरशिप पहले गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में थी, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों से लेकर किसके हाथों में दे दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी जाएगी। जैसा कि हमने लिबरलाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि शेड्यूल ए की जो 17 कंपनियां थी जो पहले गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी, उन 17 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंपनियां आप गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी, बची हुई 15 कंपनियां कौन कंट्रोल कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर कर सकती है। और वो 3 कंपनियां कौन कौन सी थी, एटॉमिक एनर्जी थी, आपकी रेलवेज थी और इंडियन आर्म्स थी जो हथियार वगैरह बनाने का काम करती है। ये जो 3 कंपनियां थी इनको तो ऑन फुल्ली तरीके से कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बाकी जो बची 17 में से 3 ही होगी, 15 जो बची वो क्या हो जाएंगी, प्राइवेटाइज हो जाएंगी। तो बोलो मतलब समझ आया। तो चलिए इस मतलब को एक बार पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ये मीनिंग लिखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन का, मीनिंग ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जब हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें, मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दें और कंट्रोल ट्रांसफर कर दें, किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से किसको कर दें, प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक से 3 चीजें उठा लो, क्या, ऑनरशिप मैनेजमेंट और कंट्रोल, और किसको दे दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड इट्स स्टेक इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइज। मैं आपको इस पूरी लाइन के लिए एक एग्जांपल फिट करके बताता हूँ। जो हमारा ये देख लो IPCL, इंडियन पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और IBP हो गया, मारुति उद्योग हो गया, पहले गवर्नमेंट इन पर पूरा स्टेक रखती थी अपना, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन आया तो इन्हें अपने स्टेक को वापस लेना पड़ा ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ सके। तो उनका जो स्टेक है, मतलब पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्टेक था वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब हो गया कम होना, क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने आके क्या किया, कंपटीशन बढ़ा दिया। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही अच्छी चीज है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों आज अगर हम बात करें कि मैं एक मोबाइल फोन लेना चाहता हूं, तो आप बताओ मैं कौन सा मोबाइल फोन लूं। आप मुझे कई सारे मोबाइल फोन बता दोगे, जैसे गूगल का मोबाइल फोन बता दोगे, 1+2, 1+3 है, जो भी कुछ है। इसके अलावा आप मुझे MI का फोन रिकमेंड करोगे, आप मुझे सैमसंग का फोन रिकमेंड करोगे, आप मुझे ओप्पो का फोन रिकमेंड करोगे, वीवो का, सैमसंग हो गया, फिलिप्स का भी आता है फोन, LG का भी आता है, iPhones, Apple के भी आते हैं। यानी एक फोन इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो 5, 3, 8 इंडस्ट्रीज तो बोलोगे जिनका नाम हमने बता दिया। ऐसी 10-12 और इंडस्ट्रीज हैं जिनके नाम उतने पॉपुलर नहीं है बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका वर्जन मोबाइल हो गया, वर्जन के नाम से भी एक मोबाइल फोन आता है, जियो का भी मोबाइल फोन आता है। तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी कंपनियां और है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं, मेरी इच्छा है मोबाइल फोन खरीदने की 4G, जिसमें 10 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, तो दोस्तों मेरी फैसिलिटी के हिसाब से 10 कंपनियां 10 मोबाइल इकट्ठे कर देंगे और कहेंगे लो शिवम ये वाला मोबाइल ले लो कम से कम प्राइस में। एक बोलेगा 10,000 में ये फीचर है, दूसरा बोलेगा 9,000 में ये फीचर है, तीसरा बोलेगा 8,000 में ये फीचर है। तो इनके आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ने से क्या हुआ, फायदा कंज्यूमर को मिला। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर को बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि यही चीज ये कंपनी महंगी दे रही है, दूसरी चीज सस्ती दे रही है, कोई मोनोपोली पावर क्रिएट नहीं कर पा रहा है मार्केट के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ी बात की जो क्वालिटी है वो बेटर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर कंज्यूमर ने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसकी क्वालिटी पसंद आएगी, तो वो कभी भी भविष्य में मेरा फोन कभी परचेज नहीं करेगा, ना किसी को रिकमेंड करेगा। तो प्राइवेटाइजेशन में वैसे भी आप जानते हो क्या लगी रहती है, कॉम्पिटिशन की बोर्ड लगी रहती है ताकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मिल सके और कंपनी को फायदा मिल सके। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से प्राइवेटाइजेशन अगर आया इंडिया में तो बहुत सक्सेसफुल रहा, वरना आज की डेट में अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन होते नहीं, सीधा BSNL और MTNL का फोन हम आज की डेट में यूज कर रहे होते हैं। आज की डेट में अगर हम वॉचेस खरीदे हैं तो टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, पता नहीं कितनी सारी, राडो, ये सब क्या है, ये कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में आई, प्राइवेटाइज हुई। इस वजह से आज किसी भी एक चीज के हमारे पर्टिकुलर कई सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। लिवाइस हो गया, ये क्या है, बाहर की ब्रांड है। ज़ारा हो गई, ये क्या है, बाहर की ब्रांड है। इन लोगों को पता चला प्राइवेटाइज हुआ तो ये सेक्टर इंडिया के अंदर आई, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। तो आज की डेट में अगर हमारा सर्वाइवल बहुत इजी और बहुत अच्छा हुआ,
जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी। बोलो क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चीजें होगी। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि यहाँ पर हमने ऑनरशिप क्या, मैनेजमेंट क्या, कंट्रोल किया, तीनों की तीनों चीजें किसको दे दी थी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी थी। नंबर टू डिस इन्वेस्टमेंट, दोस्तों इन्वेस्ट मतलब होता है कहीं पैसे लगाना, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस लेना और विड्रॉ कर लेना अपनी पावर्स को। जब आप जानते हो गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी पावर विड्रॉ कर ली तो क्या इसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, नहीं इसे क्या बोलेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट। दोनों ही पॉइंट इंटरलिंक्ड है इसलिए मैंने लिख दिया। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। मेनली प्राइवेटाइजेशन को करने के पीछे रीजन ये था कि प्राइवेट सेक्टर बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करता है, उसका फैसिलिटेशन, उसका कस्टमर फीडबैक, कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाए, इन सब चीजों में प्राइवेट सेक्टर बहुत ही अच्छा है। तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को अब ये मौका दिया जाए कि वो भी इंडस्ट्रीज खोल सकती है जैसे कि पहले पब्लिक सेक्टर खोला करती थी। It was also believed that the private capital and managerial capabilities will help improving performance of the PSUs. और साथ के साथ की इनका जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा होता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स के लिए भी बहुत काम आने वाली है। बोलो बात समझ रही। इन सब रीजंस की वजह से जब प्राइवेटाइजेशन हुआ इंडिया में तो बहुत फायदा मिला, बहुत फायदा मिला। वरना पता है क्या होता, पहले एक टेलीफोन लगवाने के लिए हमें MTNL को जब एप्लीकेशन देते थे तो MTNL वाले 4-5 महीने बाद आते थे टेलीफोन लगाने, और जब आते भी थे तो पहले एक तार बिछा गए, फिर तार को 2 महीने बाद एक फोन से कनेक्ट किया। इस तरीके से काम होता है। उन्हें पता है हमारे पास कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, बंदा हमारे पास आएगा फिर हम चाहे कैसी भी सर्विसेज दे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन कंपनियां क्या बोलती हैं कि अगर आपको ये सर्विस अच्छी नहीं है तो कस्टमर फीडबैक लेकर हम उसको इंप्रूव करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना कस्टमर हमारा लूज होकर कहीं और चला जाए और हमारा रेवेन्यू लॉस में हो जाए। तो ऐसे में जब कॉम्पिटिशन बढ़ा, मोनोपोली खत्म हुई, मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट सिचुएशन है, कंज्यूमर को अल्टीमेटली क्या मिला, बेनिफिट मिला। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। आई होप कि आपको प्राइवेटाइजेशन पूरा क्लियर हो गया। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्लोबलाइजेशन, याद है ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सोचो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बंद दरवाजे खोल दो, बंद दरवाजे खोल दो, बंद दरवाजे खोल दो, जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको आना है वो आए। कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में देखकर इंडिया में पैसा लगाना चाहती है, यूर मोस्ट वेलकम, आप आइए, पधारिए और इन्वेस्ट करके जाइए। हमारी पॉलिसी ये हो गई थी, क्योंकि जब वो इंडिया में आएंगे तो क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मतलब दरवाजे खोल देने से बहुत हमें फायदा मिला। और जानते हो दोस्तों, जब मनमोहन सिंह ने ये कॉन्सेप्ट लगाया 1991 में, तब हमारी इंडिया के अंदर मोबाइल फोन्स का चलन स्टार्ट हुआ। मतलब उससे पहले सिर्फ टेलीफोन्स चलते थे, तब हमारे यहाँ पर मोबाइल फोन्स स्टार्ट हुए बनना, क्योंकि तब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आई और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इंडिया से अवेयर कराया कि मोबाइल फोन नाम की भी कोई एक चीज होती जो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू जुड़ती है। अदरवाइज आप क्या थे, वायर से जुड़े हुए थे, आप क्या वायरलेस नेटवर्किंग से आप जुड़ जाओगे, तब ये कॉन्सेप्ट मोबाइल का स्टार्ट हुआ बना। आज के डेट में जो आप ये वीडियोस अपने मोबाइल फोन्स में या लैपटॉप में या पीसी में अगर आप देख रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ये लैपटॉप जो आप HP डेल वगैरह का देख रहे हो, ये सारी बाहर की ब्रांड्स हैं, सारी की सारी। सोचो अगर मनमोहन सिंह ने वो ना किया होता तो क्या आज आप मेरी वीडियो देख पाते, क्या मेरे मन में आइडिया आता कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म YouTube का मिलता ही नहीं, वो प्लेटफॉर्म Google का मुझे मिलता ही नहीं। तो ये सब क्यों मिल पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बंद दरवाजे खोल दो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को आने दो, पैसा उसको लगाने दो, फायदा हमको पहुंचेगा। कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर से, फॉरेन रिजर्व से और एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन, दोस्तों आप जब भी लिखते हो ना नोट्स तो जो चीज मैं बताता हूँ एग्जांपल वो जरूर लिख लिया करो, क्योंकि जब आप मार्च में या फरवरी में अपनी कॉपी उठाओगे ना रजिस्टर, तो आपको यही एग्जांपल्स एकदम याद आ जाएंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करो, फिर से मेरी वीडियो देखो, फिर वो टाइम कंज्यूम करोगे। हाँ, अगर आपको रिविजन करनी है तो आप वीडियो दो दो तीन तीन बार देखो, लेकिन कोशिश करो कि वो चीजें भी एग्जांपल हिंदी में लिख लो, क्योंकि वो हमेशा याद रहेंगे। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। आप अपनी कॉपियों में लिख लो, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना।
integration the national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movement. इसका मतलब क्या है? जब हमने बंद दरवाजे खोल दिए तो world class की economy हमारी economy के साथ जुड़ सकती थी. हमारा integration, integration मतलब मेल, जुड़ गए हम एक दूसरे की economy के साथ जुड़ गए, जिससे क्या हुआ, दोनों ही economy को फायदा पहुंचा, दोनों ही economy को फायदा पहुंचा. अब मैं आपको एक example दूं दोनों economy को फायदा कैसे पहुंचा. वैसे इसके लिए मैं next video lecture के अंदर ये चीज बताऊंगा, पर क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मुझे लगता है बता देना ज्यादा जरूरी है. आप जानते हो इंडिया के अंदर एक हरियाणा में गुरुग्राम है जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, जो दिल्ली एनसीआर के टच में है बिल्कुल. मतलब मेरे घर से गुड़गांव जो पड़ता है अराउंड, अगर मैं मेट्रो से जाता हूं तो मुझे 40 मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट के अंदर मैं अपना गुरुग्राम पहुंच जाता हूं. अब क्या होता है, जो गुरुग्राम में मैंने देखा है कि वहां पर एक कंपनी है जिसने आउटसोर्सिंग की हुई है. आउटसोर्सिंग क्या होता है सर, बात को सुनो, मैं बताता हूं. लंदन में जो मेट्रो चलती है उसे मेट्रो नहीं बोलते, उसे ट्यूब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्यूब. लंदन में जो मेट्रो चलती है उसे मेट्रो ना बोलके क्या बोलते हैं? ट्यूब. क्यों ट्यूब क्यों बोलते हैं? वो ट्यूब मतलब एक कैनाल से जाती है, अंडरग्राउंड होती है, इसलिए उसे ट्यूब बोलते हैं. तो उसके अंदर जो अनाउंसमेंट होती है, अगली मेट्रो इस स्टेशन पे इतने बजे आने वाली है, ये मेट्रो लेट आने वाली है, ये पूरी अनाउंसमेंट, उसका पूरा डेटा कौन करता है? इंडिया के लोग करते हैं. कौन सी कंपनी में रहते हैं? जो गुड़गांव में बैठी है. यानी गुड़गांव में जो लोग कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं उनका मेन काम क्या है कि वहां पे जो मेट्रो चली है उसको कंट्रोल करे. यानी मेट्रो चल लंदन में रही है लेकिन फुली तरीके से कंट्रोल कहां हो रही है? इंडिया के अंदर हो रही है. अब आप सोच सकते हो ग्लोबलाइजेशन ने कितना हमें बना दिया, मतलब हम इतने किलोमीटर दूर सॉरी हम इतने दूर बैठे हुए, इतने किलोमीटर दूर बैठे हुए और हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं. हम यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं, वो अनाउंसमेंट वहां रेलवे स्टेशन पर हो रही है, या जो हम डेटा यहाँ भेजते हैं वो तुरंत डेटा वहां पहुंच जाता है, उसके हिसाब से वहां की टाइमिंग सेट की जाती है. हाँ दोस्तों, आप देख लो, उन लोगों ने देखा कि अगर ये काम हम लंदन के लोगों से कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा. अगर ये काम हम लंदन के लोगों से कराएंगे तो ये बहुत महंगा कॉस्टली पड़ेगा, इंडिया की लेबर सस्ती है तो क्यों ना ये काम इंडिया से कराया जाए. और आप जानते हो इंडिया वाले ब्रिटिश इंग्लिश बोलने में सबसे नंबर वन पे है. अमेरिका के बाद कोई दूसरी कंट्री आती है तो वो इंडिया ही आती है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? इंडिया वालों को दे दिया. अब इंडिया में कोई बच्चा 12th पास करके निकलता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं, आ जाओ कॉल सेंटर में आ जाओ. और कॉल सेंटर से ये काम करते, एक दो साल में वो इतना परफेक्ट हो जाते कि आपको मैं बता नहीं सकता. ऐसे में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हमें काम धंधा मिला, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जीडीपी बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा, ये सारी चीज हुई. उन लोगों ने एक छोटा सा काम हमें क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया. क्यों कर पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि बंद दरवाजे खुल चुके थे, बंद दरवाजे खुल चुके थे. आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है ग्लोबलाइजेशन क्या था. ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, एनईपी का मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज. इस पॉलिसी के तहत हमने ये एक लिस्ट बनाई कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनको हायर करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है. और हाँ, अगर वो जरूरी है तो बाहर से इंपोर्ट कर लो. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंपोर्ट हर केस में गलत नहीं होता, कुछ केस में इंपोर्ट करना हमारे लिए अच्छा भी होता है. और हमने कहा जितने भी बाहर की कंपनियां हैं उनको बोला अगर आप हमारी किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो जो पहले स्टेक तुम्हें 40% का था वो बढ़ाकर 51% कर दिया गया. यानी आप किसी कंपनी की मेजोरिटी होल्डिंग अगर आप खरीदना चाहते हो, मालिकाना हक चाहते हो तो आप ले सकते हो. पहले क्या होता था कि कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में पैसा लगाती थी तो एक रेस्ट्रिक्शंस बना दी गई थी कि 100 शेयर में से सिर्फ आप मैक्सिमम 40 खरीद सकते हो या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते. तो क्या होता था कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होती थी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी तो फॉरनर्स जब जाते थे तो उनका रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता था. क्यों? क्योंकि उनका स्टेक 40% से कम होता था. अब क्या किया गया कि हमने उनका स्टेक बढ़ा दिया, हमने 40 से 51 कर दिया. सोचो 100 में से 51 मतलब मेजोरिटी स्टेक किसको दे दिया? फॉरेन कंपनीज को दे दिया. अब उन्हें पता है कि हम यहाँ पर एज अ मालिक की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टेक हमारे हाथों में. ऐसे में फॉरेन हमारे पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा मैं तो इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, मैं उसमें लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा. जब पैसे की फंडिंग हमारी कंपनियों को हुई तो इसका मतलब जो टेक्नोलॉजीज है बाहर की वो भी इंडिया में आएंगी. हमारे पास पैसा आ गया तो उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू पैसे से पैसा बना सकते हैं. तो कुल मिला के हमारी इकोनॉमी क्या हुई? डेवलप हुई. बोलो, समझ आया? पॉइंट नंबर टू,
फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, एक फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट था हमारे पास। ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइड हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज अप टू 1 करोड़। पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो एक लिमिटेशन होती है, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 1 करोड़। ये मैं 1991 की बात कर रहा हूँ। आज में 1 करोड़ की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती इतनी मिलती नहीं, महंगी मिलती है, बल्कि 10-15 करोड़ की मिलती है, लेकिन ये उन दिनों की बात है। उन दिनों गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उन दिनों गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजीज या कोई भी एग्रीमेंट जो फॉरेन ट्रेड के साथ किया जाता है तो आप 1 करोड़ तक बिना हमसे पूछे, बिना हमारी परमिशन के आप ये काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडियन रुपीस, ये रुपीस है, वॉज डिवैल्यूड इन जुलाई 1991 वॉज नियरली 20%। इट इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इम्पोर्ट। दोस्तों हमने अपनी पैसों की वैल्यू गिरा दिया। अब आप कहोगे सर गिरा दी तो ये तो गलत चीज हुई। हाँ दोस्तों अगर आप देखो तो ये गलत चीज है, लेकिन और अंदर डीप में तो अच्छी चीज है। मैं आपको बता दू कैसे, याद है लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया, मैं एक आदमी के पीछे घूंसे पे घूसा दिया जा रहा, खटिंग बैटिंग वाला जो घूसा होता ना वो दी जा रहा था। लोगों ने दूर से देखा तो उन्हें लग रहा है कि मैं उन्हें मार रहा हूँ, जबकि रियलिटी क्या थी, रियलिटी ये थी कि उनके गले में कुछ फंस गया था, इसलिए मैं पीछे पुश करके उनके मुंह से निकलवाना चाहता था या नीचे डाइजेस्ट करवाना चाहता था, लेकिन दूर से देखने में क्या लग रहा है कि मैं उन्हें मार रहा हूँ। आप बात समझो, ठीक उसी तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू कम करके तो गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन नहीं, उसके पीछे रीजन कुछ और है। रीजन कुछ और क्या था कि अगर हमने अपनी इंडियन रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया तो फॉरनर हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास पैसा लगाने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया में वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। जब खूब सारा पैसा लग जाए तो हम अपनी इंडियन करेंसी को फिर से क्या कर लेंगे, अप्रिशिएट कर लेंगे। तो उन दिनों 1990 में यही हुआ, हमने अपनी जुलाई 1991 में अपनी वैल्यू को कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया। बोलो समझ आएगा। अगला पॉइंट है, इन 1992-93 बजट मेड इंडिया। अब देखो मेरी बात को सुनो, पहले अगर हमें रुपीज को किसी भी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करना होता था तो इतनी आसानी से नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे जो गांधी जी है वो इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया के बाहर गांधी जी की कोई वैल्यू नहीं है। तो 1992 और 1993 के बजट के अंदर हमारी जो इंडियन करेंसी है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाती थी फॉरेन करेंसी में, सिर्फ पार्टली हो पाती थी, कुछ हो पाती थी। लेकिन अगले साल यानी 1993 या 1994 में जब बजट पेश किया गया तो हम अपनी उस करेंसी को फुल्ली कन्वर्ट कर पा रहे थे, पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। अब हम चाहें तो कितनी भी क्वांटिटी में यूरो, पाउंड, डॉलर्स कुछ भी खरीद सकते थे अपनी इंडियन रुपीज से, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इन ओपन इकोनॉमी। जो भी आपके ऊपर हमने बाधाएं लगा रखी थी कि व्यापार करते टाइम आप इंटरनेशनल लेवल में ये करोगे वो करोगे, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, वो सारी हटा दी, क्योंकि बंद दरवाजे खोल दो, आने दो एफडीआई को, पैसा लगाने दो एफडीआई को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भैया रिमूव कर दो वो सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स जो हमने पहले लगाए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो इसमें अब आप जानते हो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चट और पट, हेड और टेल्स। ठीक उसी तरीके से जब ग्लोबलाइजेशन आया तो कुछ चीजें तो बड़े फेवर में हुई इनकी और कुछ चीजें इनके अगेंस्ट में गई। तो क्या फेवर में गई और क्या अगेंस्ट में गई, चलिए वो पढ़ते हैं। फेवर में क्या क्या चीजें गई, ग्रेटर एक्सेस ऑफ ग्लोबल मार्केट। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल में हमारी जो पहुंच है वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बंद दरवाजे खुल गए थे। नंबर 2, एडवांस टेक्नोलॉजी। जब बंद दरवाजे खुल गए तो हम इजिली बाहर की जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो हमारी यूज की उनको हम अडॉप्ट कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। नंबर 3, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। अब आप जानते हो हमारा जो फ्यूचर है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत निखर गया, सुनहरा मौका हमें मिल गया था इसलिए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके अगेंस्ट में क्या बातें बोली जा रही थी, वो ये कॉम्प्रोमाइज विद अ वेलफेयर, यानी कि अब हमारा मेन मोटिव सिर्फ रिच पीपल के लिए वर्क करना था और हम ये भूल गए थे कि वेलफेयर किस तरह से समाज सेवा को भी हमें आगे बढ़ाना है। हमारा मेन मोटिव हो गया था इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों के लिए काम करना, लेकिन भाई उन लोगों का क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर वेलफेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। वेलफेयर हुआ नो डाउट, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। नंबर 2, इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब अमीर और गरीब के बीच में अंतर जो है वो बढ़ गया, क्योंकि अमीर ज्यादा के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर कवर अप कर ली थी, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए हमने क्या किया वो आपको भी पता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गरीब इंसान के लिए। हाँ इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल गया हो वो बात अलग है, बट डायरेक्टली हमने ये सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास लोगों के लिए बनाया जो इंडस्ट्रीज फॉरेन ट्रेड करता है। फॉरेन ट्रेड करने वाला कोई किसान थोड़ी हो गया,
वो तो एक बड़ा व्यापारी होगा, तो ये कुछ अगेंस्ट में गई थी उनकी बातें। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी की हमसे बुक चाहिए जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है जिसको लेकर आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तो व्हाट नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे कॉल करिए, जानिए फोन ये चीज आपको कैसे मिल सकती है। और अगर आपको डाउट पूछना था तो इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी का भी लिंक नीचे दे रखा है, आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो उस पर फॉलो अप करके। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतने, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए पीस आउट।